हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर से मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी है कच्चे चावल से कुछ रेसिपी। देखिए, ये कच्चे चावल हमने पानी में भिगो दिए हैं और फिर इसको अब हम मिक्सर में मिक्स करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने उसमें डालने के लिए कुछ सब्जियाँ ले रखे हैं। आपके पास अगर गाजर हो तो आप कद्दूकस करके गाजर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने वायल आलू लिए हैं, इसमें वायल आलू भी डालना चाहिए, डालते हैं। तो फिर देखिए, ये बंद गोभी है और अब हम इसको इस तरह से ग्राइंडर में जार में डाल के इसे हम ग्राइंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको जा रहे हैं ग्राइंड करने। देखिए इस तरह से हमने इसे इसका डो तैयार किए हैं। देखिए इस तरह का इसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एकदम से महीन पीस के आया है बिल्कुल। इसमें आलू डालने से ना इसमें और भी ज़्यादा बाइंडिंग आ जाता है। देखिए कितना महीन पीस के आया है ना। आप लोग को भी सेम इसी तरह महीन पीसना है। अब इसमें हम कुछ सब्जियां मिक्स करेंगे। देखिए बंद गोभी मिक्स किए हैं और फिर ये है कुछ और सब्जियां। टमाटर है, प्याज है, मिर्ची है। आपके पास और भी सब्जियां हो तो आप डाल सकते हैं इसमें। अब देखिए, अब इसमें फिर से हम ये क्रश करके जीरा डाल रही हूँ और फिर इसमें अब हम फिर से नमक डालेंगे। देखिए हमने नमक डाल दिए। इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे। देखिए ये है कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं चटनी की तरफ। इस रेसिपी के साथ हमें चटनी भी तो चाहिए, तो हम जा रहे हैं बनाने टमाटर की चटनी। तीन टमाटर हमने बॉयल करके लिए हैं, छिलके उतार दिए। अब इसको हम फिर से ग्राइंडर में डाल जार में डाल के इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए हमने अब इसका भी प्यूरी रेडी कर लिए हैं पीस के। अब देखिए इसमें जो कुछ गांठ होगी उसे हम हटा देंगे, साइड कर देंगे। देखिए इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। अब फिर अब हम आगे की प्रोसेस की ओर चलते हैं। आगे फिर हम गैस ऑन किए, अब इस पे कढ़ाई डालें। अब इसमें ऑयल डालें, आपके पास हींग हो तो आप हींग डाल सकते हैं और फिर इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डालें और इसमें इसको डालें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक के बाद फिर आप शक्कर डाल सकते हैं या आपके पास गुड़ हो तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। देखिए ये शक्कर डाल दिए हमने। अब ये मेरा चटनी बनके रेडी हो गया। अब देखिए आगे हम फिर अब नाश्ता की ओर चलते हैं। देखिए जो ये चावल के आटे से, चावल से जो हमने बनाया है ना, ये नाश्ता बनाने से पहले आप इस चावल को 2 घंटे 3 घंटे पहले ही भिगो के रखते हैं। अब फिर देखिए हम इसमें ऑयल डालें। अब फिर अब इसमें हम इस बैटर को डालें। देखिए एकदम सावधानी से डालिएगा। ये जो चम्मच हमने लिए हैं ना, इससे 2 चम्मच बैटर हम डालते हैं तब जाके मेरा नाश्ता कुछ इस तरह से रेडी होकर आता है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम से लाजवाब, कसम से बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और फिर कैसा लगे हमें ट्राई करने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त नाश्ता बन के आता है, यकीन मानिए। देखिए हम इस तरह कुछ देर बाद, 2 मिनट बाद इसको फिर से पलट दिए, साइड से ऑयल डालते रहें। बहुत कम ऑयल में बन के आता है, ज़्यादा ऑयल भी खाना अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए हम जब भी कुछ बनाते हैं ना तो आप देखते होंगे हम कम ऑयल में ही बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डालें, फिर इसमें बैटर डालें। देखिए
इस तरह से थोड़ा देर, दो मिनट रुक के फिर इसको पलट देंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, साइड से ऑयल डाल दिए, फिर से अब इसको पलट देंगे। देखिए ये साइड से अगर कुछ लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है ना, तो उसको पलटने टाइम थोड़ा सा बिखर जाता है, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। देखिए दो मिनट बाद फिर से इसको पलट दिए, अभी फिर से और सीखिएगा इस तरह से पलट पलट के आप बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कच्चे चावल की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।